दोस्तों, आज की दुनिया में सभी की अपनी अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं और सभी उन्हें जल्दी से जल्दी फुलफिल करना चाहते हैं। अपनी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें रिच और सक्सेसफुल होने की जरूरत है और हम सभी एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाते और हार मान लेते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, अगर हम खुद पर भरोसा रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सभी के अंदर रोज कुछ अच्छे और कुछ बुरे, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट आते रहते हैं, जो कि एक आम बात है। लेकिन आप इनमें से किस पर फोकस करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जब आप नेगेटिव थॉट के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आप वही करने लगते हैं। नेगेटिव थॉट को भुलाकर हर सिचुएशन में पॉजिटिवली सोचने से आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगती है और हम आसानी से उसका सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ को सक्सेसफुल और रिच बनाने में बहुत मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि हम जो भी पाना चाहते हैं उसके बारे में मैनिफेस्ट करें, सोचें, उसे इमेजिन करें, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती हैं और जल्दी आप उसे हासिल कर लेते हैं। जब हम अपने गोल के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और उसे इमेजिन करते हैं तो कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं जो हमारे गोल के वाइब्रेशन से मैच होकर हमें उसकी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम ये डिसाइड करें कि जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने गोल को पाना है, जिससे हमारी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन रिलीज होते हैं, जैसे हमारे डिसीज जल्दी ठीक होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से फुलफिल रखें और नेगेटिविटी को अपने माइंड में ना आने दें। यह हमारी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम उसे अचीव करने के लिए जब हम वाइब्रेशन को रिलीज करते हैं तो वो जो चीज हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगती है और हम उसे इजिली अचीव कर लेते हैं। अगर हमें अपनी सही नॉलेज चाहिए कि हम कैसे हैं, हम में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां, तो दूसरे लोग हमें अच्छे से बता देते हैं। हम लगातार हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सुनते रहते हैं, जो हमें कभी कभी बहुत हर्ट भी कर देते हैं। लेकिन हम लोगों के कमेंट्स पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई हमारी 10 तारीफ भी कर दे फिर भी एक बुराई कर दे तो हम उस गुड मोमेंट्स को भूल जाते हैं और हमें सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही याद रहते हैं कि यार ये क्यों बोला। नेगेटिव थिंग्स के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन सोचना ही काफी नहीं है। हम उसके लिए क्या एक्शन लेते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हम अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ उन बुराइयों को वीकनेस और नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी अपना घर बना लेगी और हम अपना डिप्रेस्ड और टेंशन में ही रहेंगे, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा माइंड नई नई चीजों और आइडियाज के बारे में नहीं सोच पाते और उन नेगेटिविटी में उलझ जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट होते हैं, लेकिन कई बार हम किसी एक इमोशन में ज्यादा रहने लगते हैं और जब हम परेशान होते हैं तो हमारे अंदर एंगर, नेगेटिविटी थॉट से ज्यादा आते हैं, जो किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। हमें इमोशन को कंट्रोल करने के लिए खुद को स्टेबल रखना होगा। जो इंसान अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। एंगर हमारी ग्रोथ में एक बैरियर की तरह काम करता है, जो सिर्फ हमारी मुश्किलों को बढ़ाता है। गुस्से में हमारे माइंड को पूरी तरह काम करने नहीं देता और जल्दी से कई बार गलत डिसीजन ले लेता है। हम सभी के वांट्स, विशेस, गोल्स अलग अलग होते हैं। हम सभी खुद को अलग अलग लेवल तक रिच बनाना चाहते हैं। जैसे अगर किसी के पास कार है और घर नहीं है तो वो खुद को इतना रिच बनाना चाहेगा कि उसके पास कार हो, घर हो। लेकिन जिसके पास ये पहले से है वो खुद को और रिच बनाने के लिए एफर्ट करेगा। मनी एक ऐसी चीज है जो इंसान के पास जितनी होगी उतनी ही कम लगती है, क्योंकि हमारी विशेष बहुत सारी होती हैं। लेकिन अगर हम कभी अपनी विशेष को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग मनी रिसीव करते हैं और दूसरा वो जो अपनी गोल मनी के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं।
अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इस दुनिया में कई अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको रिच बना सकती हैं। बस आपको उन अपॉर्चुनिटी को पाने में काबिल बनना होगा। किसी बड़े पेड़ की शुरुआत एक बीज से होती है और धीरे धीरे रेगुलर खाद और पानी से वो बड़ा पेड़ बन जाता है। आपका डिजायर आपका बीज का काम करता है। अगर आप रेगुलर मेहनत करते हैं तो आप एक दिन बहुत बड़े बन जाओगे। लेकिन जैसे छोटे पौधे को ज्यादा स्ट्रगल करना होता है, उसी तरह हम ग्रो कर रहे होते हैं और इन सीएल स्टेट में होते हैं तो हमें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहे उतना इनहेंस कर सकते हैं। जब आप कोई गोल फिक्स करते हैं या चाहे इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं और हम उसे ही लिमिट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रियल में हमारे क्रिएट किया हुआ गोल जिसे हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के जो बेल है उसको भी क्लिक कर देना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और वो वीडियो आप तक पहुंच पाए।